फ्रेंड्स, आज बनाने जा रही हूँ मैं पालक पनीर। तो चलिए पालक पनीर बनाते हैं। मैं ना, सब लोग पालक बॉईल करते हैं, लेकिन मैं कढ़ाई में उसको थोड़ा सोते करूँगी, बॉईल नहीं करूँगी, क्योंकि बॉईल करने में पानी जो डालते हैं ना, तो उसका पूरा टेस्ट आ जाता है। वो मतलब पिचकू लगता है, वो टेस्टी नहीं लगता है। अच्छा, तो मैं इसको ऐसे ही बिना पानी के कढ़ाई में डाल के इसको थोड़ा सौते कर लूंगी, फिर वो पक जाएगा 2-3 मिनट में। इसके बाद मैं ग्राइंड करूंगी मिक्सर ग्राइंड में। अच्छा, ग्रेवी वाला बना रहे हो? हाँ, तो पालक पनीर कैसा बनता है? नहीं, आप ग्रेवी बिना का भी बनाते हो ना? आज थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पालक के ही पानी में पूरा खुद ही पक गई, और कलर भी कितना मस्त लग रहा है ना। हाँ, काफी ज्यादा थी, इतनी सी हो गई। वो तो काट रही हूँ पनीर, जिसको मुझे फ्राई करना है, तो उसके मैंने मीडियम स्क्वायर में पीसेस कर लिए हैं। ये देखो, इसको मैं मस्त डीप फ्राई करूँगी। और मैंने पालक पनीर के लिए मसाला तैयार किया है, उसमें मैंने प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च सबको क्रश किया है, मतलब ये चॉपर में। तो अभी ये ठंडा हो चुका है, तो अभी हम उसको मिक्सर जार में ग्राइंड करेंगे। चल जल्दी ठंडा हो जा, ठंडा हो जा, ठंडा हो जा। अभी हम पनीर को फ्राई करेंगे। तो तेल गरम हो चुका है और हम अभी पनीर डालेंगे। फिर एक और एक बात बताती हूँ आपको, ये पनीर हमने फ्राई किए हैं तो वो सॉफ्ट ही रहे, उसके लिए हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, तो उसकी सॉफ्टनेस बरकरार रहेगी। पालक ठंडी हो चुकी है और अभी हम उसको मिक्सर जार में पीस लेंगे। कांड कर लिया मैंने। फ्राई किया था वही कढ़ाई है, उसके अंदर ही हम लोग बनाएंगे पालक। में डालेंगे हम जीरा, और जीरे के बाद सब मसाला जो हम लोग ने रेडी किया था, प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची, पूरा मसाला। अभी इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया जीरू पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। इसको थोड़ी देर पकने देंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए, मसाले भी पक जाए। मसाले अभी पक चुके हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे जो पालक की ग्रेवी रेडी की है। सब लोग इसमें टमाटर भी डालते हैं, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता है, तो मैंने टमाटर को स्किप कर दिया। उबल रही है, फिर हम उसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक थोड़ा कम ही डालना है, क्योंकि पालक ऑलरेडी थोड़ी सी खारी आती है। तो अभी मैं इसमें डालूंगी पनीर, जो मैंने फ्राई करके ऑलरेडी पानी में भिगो के रखा था। बन चुकी है हमारी पालक पनीर।